नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 18 जिलों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग। पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। एक बार में एक ही मतदाता ही जा सकेगा बूथ के अंदर। यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कई जिलों में बवाल की खबर। महोबा में प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला। सहारनपुर में प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों के बीच भिड़ंत। मुरादनगर में बैलेट पेपर से गायब बीडीसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पीएम मोदी ने बताया अत्याधुनिक और भविष्यवादी। का आत्मनिर्भर भारत में बढ़ रही है कुशल युवाओं की भूमिका। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर सभी राज्यपालों के साथ की चर्चा। अस्पतालों में एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बढ़ाने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने बांग्ला नववर्ष पोइला बैसाख की दी शुभकामनाएं। दुनिया भर में फैले बंगाली समुदाय के लिए की उत्तम स्वास्थ्य की कामना। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 2 लाख मामले आए सामने। इस दौरान संक्रमण से 1037 मरीजों की चली गई जान। देश में संक्रमण के कुल मामले 1,40,70,000 के पार। अभी तक 1,73,152 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आंखों को कर रहा है खराब। संक्रमित मरीजों की सुनने की शक्ति भी हो रही है कम। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को दिया आदेश। का आसपास के होटलों में बनाई जाए चिकित्सीय व्यवस्था। बारातघरों, बैंकेट हॉल और यमुना स्पोर्ट स्टेडियम में भी लगेंगे बिस्तर। 23 अस्पतालों के आसपास के होटल मरीजों के लिए होंगे आरक्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा समीक्षा रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 88 दिनों में कोरोना वैक्सीन की 58 लाख खुराकें हुई बर्बाद। 5 बार केंद्र दे चुका है निर्देश, फिर भी राज्य नहीं दे रहे ध्यान। केरल को छोड़कर सभी राज्यों में कुछ ना कुछ टीका हुआ बर्बाद। कोरोना कर्फ्यू को लेकर सीएम ठाकरे ने कलेक्टरों को दिए कड़े निर्देश। का जो नियम तोड़े दंडित करें, सील कर दें दुकानें। राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। गहलोत सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी को किया बंद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में टीकों की कमी से किया इनकार। बोले विवाद खड़ा करने के लिए प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं जिम्मेदार। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना पड़ेगा भारी। झूठे संदेश भेजने वालों पर साइबर क्राइम के तहत दर्ज होगा मुकदमा। सरकार ने रेमडेसिविर कमी के बीच उत्पादन बढ़ाने को दी मंजूरी। अब प्रतिमाह करीब 78 लाख शीशियों का किया जाएगा उत्पादन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक दलों को दी नसीहत। बोले मतभेदों को बुलाकर कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर करें काम। प्रियंका ने योगी सरकार पर लगाया कोरोना के आंकड़े छुपाने का आरोप। बोली अगर सरकार सचेत रहती तो शायद आज खराब नहीं होते हालात। भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यपाल समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता हालातों की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए 45 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। चुनाव आयोग ने 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले लगाई रोक। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा। कहा राज्य में भाजपा को 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। संस्कार के बहाने स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा मोदी जी बुलाते हैं दीदी, लेकिन वो दे रही हैं गालियां। बंगाल चुनाव में राहुल गांधी ने टीएमसी और बीजेपी पर बोला हमला। कहा दोनों पार्टियों का सोनार बांग्ला बनाने का दावा धोखा। अयोध्या में राम मंदिर की 20 अप्रैल तक तैयार होगी नींव की पहली परत। 28 दिन तक चलेगी सुखाने की प्रक्रिया। भरी जाएंगी कुल 44 परतें। दिल्ली NCR वालों को आज तेज गर्मी से मिल सकती है रात। मौसम विभाग ने हल्के बादल छाए रहने की जताई संभावना। वाराणसी मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। आने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित करने का उठाया कदम। भारत में अब तक 75,500 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र हुए चालू। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले 2022 तक 1.5 लाख नए केंद्र खोलने की है योजना। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसवाले ने जताई उम्मीद। बोले आशा है कि अब घाटी से कश्मीरी पंडितों का नहीं होगा विस्थापन। मथुरा की अदालत में अर्जी दायर कर याचिकाकर्ता ने किया दावा। का आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी हैं केशव मंदिर की मूर्तियां। अफगानिस्तान से सैन्य वापसी को लेकर जो बाइडेन ने दिया बयान। बोले अब सबसे लंबी लड़ाई को समाप्त करना चाहता है अमेरिका। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने पर गरमाई सियासत। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने की शिवलिंग को छूने पर कार्रवाई की मांग। तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पर सादा निशाना। बोले 60 साल के शासन में गांधी परिवार ने की तेलंगाना की उपेक्षा। सीएम ने सरकार बनने पर दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का किया वादा। भाजपा ने कहा सरकार बनने पर पंजाब में बनेगा दलित मुख्यमंत्री। नीति आयोग ने शोध और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बनाई योजना। देशभर के सभी स्कूलों में स्थापित की जाएगी अटल टिंगरिंग लैब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और कांग्रेस सांसद पर मामला दर्ज। तेलंगाना में आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने सीएम खट्टर को लिखा पत्र। का यमुना में कम पानी और अमोनिया के उच्च स्तर पर कार्रवाई करे हरियाणा। CBI ने अनिल देशमुख से की 8 घंटे तक पूछताछ। भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में जांच एजेंसी ने पूछे कई अहम सवाल। सीताराम येचुरी ने की कोरोना से निपटने के तरीकों की आलोचना। बोले लोकतांत्रिक जवाबदेही से भाग नहीं सकते देश के प्रधानमंत्री।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के विकास को बताया शीर्ष प्राथमिकता। बोले कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ भारत का सर्वांगीण विकास। तेजी से चल रहा श्रीनगर लेह राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम, अगले हफ्ते से 434 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का शुरू होगा परिचालन। बेंगलोर ने रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 6 रनों से हराया, कोहली की टीम ने आईपीएल में दर्ज की अपनी दूसरी जीत। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर बनाए 149 रन, जवाब में 9 विकेट पर 143 रन ही बना पाए हैदराबाद की टीम। बेंगलोर के शाहबाज अहमद ने एक ओवर में चटकाए 3 विकेट, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 5 साल बाद जड़ा अर्धशतक। आईपीएल में आज दिल्ली और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला, युवा विकेटकीपर पंत और सैमसन में देखने को मिलेगी टक्कर। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के बगैर उतरेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम, दिल्ली कैपिटल्स में हो सकती है रवाड़ा की वापसी। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, कप्तान बाबर आजम ने खेली 122 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर बनाए 203 रन, जवाब में पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।